अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर फाइन एंड मस्ट हैव कम्प्लीटेड रिटन वर्क ऑफ प्रीवियस चैप्टर लेट्स पेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर ड्राइंग इन पेंट। सो टेक आउट योर कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस बुक एंड ओपन अप पेज नंबर 55, चैप्टर नंबर 6, ड्राइंग इन पेंट। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट डिफरेंट टूल्स that we can use in paint. So let's discuss our topic. You can draw a lot many things in paint, but let us first learn about the other tools that you can use in paint. Children, as you all know very well that we can draw many things in paint with the help of different tools. Now start the paint program and listen to me carefully. First is curve tool. The curve tool is used to draw curve lines. Number one, in the shapes group, click the curve tool. Number two, click the size button and then select a thickness for the curve tool. Number three, in the colors group, click color one and then select a color. Number four, in the shapes group, click outline and then choose a line style. Number 5, bring the mouse pointer onto the drawing area. Notice that the mouse pointer changes from an arrow to a pointer with 4 heads. Drag the mouse to draw a line. Number 6, click the line and drag the mouse to get a curve. Turn next page, page number 56. Look at the figure 6.1 using the curve tool. First step is click the curve tool. सबसे पहले आप लोग क्लिक करेंगे curve tool पे. Curve means आप curve line को select करेंगे और अपनी line को जो भी shape देना चाहें वो drawing area में वो easily दे सकते हैं. Number 2, click the size button and select a thickness for the curve tool. नंबर सेकंड स्टेप है आपके पास, क्लिक करेंगे साइज़ बटन पे और सिलेक्ट करेंगे उसकी थिकनेस को. जितने भी आपको थिक करनी है अपनी लाइन वो आप साइज़ बटन के ज़रिए थिक कर सकते हैं. नंबर 3, क्लिक कलर वन एंड देन सिलेक्ट अ कलर. उसके बाद आप क्लिक करेंगे कलर वन पे और अपना फेवरेट कलर चूज़ कर लेंगे. नंबर 4, क्लिक आउटलाइन एंड देन चूज़ अ लाइन स्टाइल. यहाँ से आप अपना लाइन स्टाइल चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो. नंबर 5, क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ इन द ड्राइंग एरिया. उसके बाद आप ड्राइंग एरिया में जाके अपने विद द हेल्प ऑफ योर माउस उस पर ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नाउ सेकंड इज शेप्स ग्रुप. दीज आर द डिफरेंट शेप्स. यू कैन यूज़ द शेप्स ग्रुप इन पेंट टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडीमेड शेप्स like rectangles, ellipses, triangles, arrows, hearts, stars, lightning bolts, call out and many more. Shapes group में जाके आप different shapes को choose कर सकते हैं और अपनी पसंद का जो है वो shape आप draw कर सकते हैं. Number 1, in the shapes group click a ready-made shape. यहाँ पर आपको ready-made shapes दी हुई हैं, यहाँ से आप अपना फेवरेट चूज़ करेंगे और ड्राइंग एरिया में ड्राइंग बनाएंगे उससे. नंबर 2, क्लिक द साइज बटन एंड सेलेक्ट अ थिकनेस फॉर द लाइन. इसके बाद आप साइज बटन को सेलेक्ट करेंगे, जितनी भी आपको उसको थिक रखना है अपनी शेप को वो सेलेक्ट करेंगे. नंबर 3, इन द कलर्स ग्रुप क्लिक कलर वन एंड देन सेलेक्ट अ कलर. क्लिक कलर टू एंड देन सेलेक्ट अ कलर टू फिल द शेप. सबसे पहले फिर आप उसके बाद कलर ग्रुप में जाएंगे, कलर वन चूज़ करेंगे, उसके बाद कलर टू चूज़ करेंगे ताकि आप अपनी शेप में कलर फिल कर सकें. नंबर 4, क्लिक द आउटलाइन बटन एंड सेलेक्ट अ लाइन स्टाइल. उसके बाद आउटलाइन में जाएंगे, अपने फेवरेट लाइन स्टाइल चूज़ करेंगे जो भी आपको पसंद हो. नंबर 5, क्लिक द फिल बटन एंड सेलेक्ट अ फिल स्टाइल.
फिल बटन पे यहाँ पे एरो नज़र आ रहा है छोटा सा, इसको यहाँ से चूज़ करेंगे जो भी आपको फेवरेट फिल स्टाइल है, यू कैन चूज़ इट हेयर. टू ड्रॉ द शेप क्लिक एंड ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया. लुक एट द फिगर 6.2, ड्राइंग डिफरेंट शेप. दीज आर द डिफरेंट शेप्स. यहाँ से आप अपने फेवरेट ड्राइंग फेवरेट शेप्स ग्रुप में जाके कोई भी शेप चूज़ करेंगे और यहाँ पे उससे ड्राइंग बनाएंगे. टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 57. अवर थर्ड हेडिंग इज पॉलीगॉन टूल. दिस इज द आइकन ऑफ द पॉलीगॉन टूल. यू कैन यूज़ द पॉलीगॉन टूल टू मेक अ कस्टम शेप विद एनी नंबर ऑफ साइड. कस्टम शेप मीन्स यहाँ पे आप शेप ड्रॉ करेंगे और उसको जितनी भी साइड्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं. नंबर वन, इन द शेप्स ग्रुप क्लिक द पॉलीगॉन टूल. सबसे पहले शेप्स ग्रुप में जाएंगे और पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करेंगे. नंबर टू, टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन देन क्लिक ईच पॉइंट वेयर यू वॉन्ट टू एडिशनल साइड टू अपेयर. यहाँ पर आप पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद पॉलीगॉन टूल पॉलीगॉन शेप स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर बनाना, और इसको आप जितनी भी साइड देना चाहते हैं उसको लाइन से लाइन आप ऐड करते जाएंगे. नंबर थ्री, कनेक्ट द लास्ट लाइन टू द फर्स्ट लाइन टू फिनिश ड्राइंग द पॉलीगॉन एंड टू क्लोज द शेप. लुक एट द फिगर 6.3. यहाँ पे आप जब अपनी शेप को एंड करने वाले होंगे तो लास्ट लाइन को फर्स्ट लाइन से कनेक्ट कर देंगे तो आपकी शेप कंप्लीट हो जाएगी. नंबर फोर, विद द शेप स्टिल सिलेक्टेड यू कैन डू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टू चेंज इट्स अपीयरेंस. इसके शेप को सिलेक्ट करने के बाद जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं. कौन कौन सी, टू चेंज द लाइन स्टाइल क्लिक आउटलाइन एंड देन क्लिक अ लाइन स्टाइल. यू कैन हैव अ शेप विदाउट एन आउटलाइन बाय सिलेक्टिंग नो आउटलाइन. यहाँ पे आपको एक आउटलाइन नज़र आ रही है. अब आप यहाँ पे आउटलाइन में जाएंगे, अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप नो आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी आउटलाइन डिसअपियर हो जाएगी. टू चेंज द आउटलाइन साइज क्लिक द साइज बटन एंड देन सेलेक्ट अ थिकनेस फॉर द लाइन. इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप साइज में जाके इसको क्लिक करेंगे, जितनी भी आपको थिकनेस चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. इन द कलर्स ग्रुप क्लिक कलर वन एंड देन क्लिक अ कलर फॉर द आउटलाइन. क्लिक कलर टू फॉर अ कलर टू फिल द शेप. देन नेक्स्ट स्टेप इज कलर सेलेक्ट करेंगे फॉर द आउटलाइन और कलर टू सेलेक्ट करेंगे टू फिल द शेप. टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58. टू चेंज द फिल स्टाइल क्लिक फिल इन द शेप्स ग्रुप एंड देन क्लिक द फिल यू वॉन्ट. इफ यू डू नॉट want to fill the shape click no fill. इसी तरह से आपको अपनी शेप में जो भी कलर फिल करना चाह रहे हैं वहाँ से फिल स्टाइल में से चूज़ करेंगे फिलिंग का स्टाइल और उसमें कलर कर देंगे, और अगर कुछ फिल नहीं करना चाहते तो क्लिक नो फिल. आवर फोर्थ हेडिंग इज इरेजर टूल. दिस इज द आइकन ऑफ द इरेजर टूल. द इरेजर टूल इज यूज टू रब आउट एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर. नंबर वन, इन द टूल्स ग्रुप क्लिक द इरेजर टूल. नंबर टू, क्लिक द साइज बटन एंड देन सेलेक्ट अ साइज फॉर द इरेजर. नंबर थ्री, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन टू द ड्राइंग एरिया. नंबर फोर, क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द पार्ट दैट यू वॉन्ट टू रब आउट. लुक एट द फिगर 6.4. सबसे पहले यहाँ से आप इरेजर को सिलेक्ट करेंगे, इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे. नंबर टू, सेलेक्ट द साइज ऑफ द इरेजर, इरेजर के साइज को सिलेक्ट करेंगे. ओके, दिस इज द आइकन ऑफ द इरेजर टूल. साइज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जितना भी आपको अपनी इरेजर को साइज देना हो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद आप जहाँ पे अपने माउस को ड्रैग करते जाएंगे वो एरिया इरेज होता जाएगा विद द हेल्प ऑफ इरेजर टूल. ओके, नेक्स्ट इज फिल विथ कलर टूल. दिस इज द आइकन ऑफ द कलर टूल. दिस टूल इज यूज टू फिल अ सिलेक्टेड कलर इन एनी क्लोज शेप.
इट मेक्स योर ड्राइंग कलरफुल. लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ फ्लावर इन पेंट. नाउ यूज द स्टेप्स गिवन बिलो टू फिल द फिगर विद कलर. अपनी ड्राइंग में कलर करने के लिए आप यहाँ से कलर टूल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपनी ड्राइंग में कलर कर लेंगे. बट यू हैव टू ड्रॉ अ फ्लावर इन पेंट. उसके बाद क्या करेंगे आप, नंबर वन इन द टूल टूल्स ग्रुप क्लिक द फिल विद कलर टूल. नंबर टू इन द कलर्स ग्रुप क्लिक कलर वन एंड देन सेलेक्ट अ कलर. ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन टू द ड्राइंग एरिया. क्लिक इनसाइड द शेप टू फिल इट विद कलर. फिगर 6.5. लुक एट द फिगर 6.5 यूजिंग द फिल विद कलर टूल. फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द फिल विद कलर. सबसे पहले आप क्लिक करेंगे यहाँ पर फिल विद कलर टूल पर. सेकेंड स्टेप इज क्लिक कलर वन एंड देन चूज अ कलर. उसके बाद कलर चूज करेंगे आप यहाँ से. क्लिक इनसाइड द शेप टू फिल इट विद कलर. फिर जो आपने ड्राइंग ड्रॉ की है इसके अंदर आप कलर फिल कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, टू बेटर अंडरस्टैंड द पेंट फॉलो दिस स्टेप्स एंड प्रैक्टिस इट. नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल. यू कैन यूज द टेक्स्ट टूल टू टाइप टेक्स्ट इन अ ड्राइंग. लेट अस सी हाउ. नंबर वन इन द टूल्स ग्रुप क्लिक द टेक्स्ट टूल. क्लिक इन द ड्राइंग एरिया वेयर यू वॉन्ट टू एड टेक्स्ट. Notice that the text tab appears in the main toolbar. In the fonts group, select the font size and style. Number four, in the colors group, click color one and then click a color for the text. Number five, type the text figure 6.6. Text tool को use करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले हमारा जो पेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं वो होम पर हुआ होता है. सबसे पहले आपने यहाँ से क्लिक करके उसको टेक्स्ट पे करना है. ओके, अब इस एरिया में आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है या टेक्स्ट लिखना है, जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ अपने ड्राइंग एरिया में लिख सकते हैं. सिलेक्ट द फॉन्ट साइज एंड स्टाइल. इसका फॉन्ट साइज और स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे. यहाँ से आप अपना स्टाइल यहाँ से राइटिंग का सिलेक्ट कर सकते हैं. बोल्ड करना है तो बोल्ड, इटैलिक करना है इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन, और यहाँ से इसका साइज चेंज कर सकते हैं आप. सिलेक्ट द कलर. फिर उसके बाद कलर सिलेक्ट करेंगे अपना फेवरेट और टाइप कर देंगे जो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टूल. ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्ट टूल. You can use the select tool to select a part of the drawing. Follow the steps below. In the image group, click the down arrow under select. Number two, do one of the following. To select any square or rectangular part of the drawing, click rectangular selection and then drag the pointer to select that part of the drawing. To select any irregularly shaped part of the drawing, click free form selection and then drag the pointer to select that part of the drawing. To select the whole picture, click select all. To select everything in the picture except for the currently selected area, click inward selection. To delete the selected object, click delete. Look at the figure 6.7. This is the select tool. यहाँ से आप down arrow की मदद से इसको select करेंगे. यहाँ से rectangular selection को select करके अगर आप अपनी drawing को यहाँ से move करना चाहते हैं तो यहाँ से select करेंगे with the help of rectangular selection और इसको कहीं भी move करा सकते हैं. Second option is free form selection. अगर आपकी drawing आपको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो आप free form selection को use करके उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. उसके बाद है सिलेक्ट ऑल. सिलेक्ट ऑल में आप अपनी पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं. इनवर्स सिलेक्शन में इनवर्स सिलेक्शन को यूज़ करना है आपको. अगर अपनी लग रहा है कि ड्राइंग बाकी के आपकी ख़राब बनी है और ये तीन जो आपके पास
शेप्स हैं ये सही हैं, तो बाकी के आप यहाँ से इनवर्स सिलेक्शन को यूज़ करके आप बाकी की ड्राइंग को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज़ मैग्नीफायर टूल। दिस इज़ द आइकन ऑफ द मैग्नीफायर टूल। यू कैन यूज़ द मैग्नीफायर टूल टू जूम इन ऑन अ पार्ट ऑफ योर ड्राइंग एंड सी इट मोर क्लोजली। मैग्नीफायर टूल की मदद से आप जो है अपनी ड्राइंग को जूम करके देख सकते हैं, हर वो पार्ट जो आप देखना चाहते हैं जूम करके, कि इसमें कलर फिल सही से हुआ है या ये ड्रॉ सही से हुआ है, तो जूम करके आप अपनी ड्राइंग को देख सकते हैं। नंबर वन, इन द टूल ग्रुप क्लिक द मैग्नीफायर टूल। सबसे पहले आप मैग्नीफायर टूल पर क्लिक करेंगे और अपनी ड्राइंग के जिस भी पार्ट पे आप रखेंगे वो जूम होता चला जाएगा। नंबर टू, मूव द मैग्नीफायर एंड क्लिक ऑन द पार्ट ऑफ द ड्राइंग यू वांट टू जूम इन ऑन। किसी भी पार्ट पे आप रखेंगे वो पार्ट आपका जूम होता जाएगा। नंबर थ्री, क्लिक इट वंस द ड्राइंग इज मैग्नीफाइड बाय 200% फिगर 6.9। आपने जो अपनी पिक्चर को जूम किया था वो यहाँ पे जूम हो गई है और 200% मैग्नीफाइड हो गई है, यानी कि जूम हो गई है बहुत ज़्यादा 200। कैसे पता चलेगा आपको कि 200% है? विद द हेल्प ऑफ स्लाइडर। लुक एट दिस, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ से इसके बार को आप स्मॉलर और लार्जर कर सकते हैं। नोटिस दैट द स्लाइडर एट द बॉटम शोज 200%। यू कैन ऑल्सो मूव द बार इन द स्लाइडर टू मेक द ड्राॅइंग स्मॉलर और लार्जर। स्मॉलर और लार्जर आप यहाँ से करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइडर। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट हेडिंग, कलर पिकर टूल। दिस इज द आइकन ऑफ द कलर पिकर टूल। यू कैन यूज द कलर पिकर टूल टू सेट द करंट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स। First you have to choose color picker, then select your favorite color, click the color in your picture that you want to set as the foreground color, or right click the color in your picture that you want to set as the background color। यहाँ पर आप color picker की tool को select करके किसी भी specific area का आप color यहाँ से change कर सकते हैं with the help of color picker tool। उसके बाद आपको अगर पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर टू को चूज़ करेंगे। पिकर टूल में आप कलर वन को सिलेक्ट करते हैं और बैकग्राउंड फुल कलर में फुल कलर को चेंज करने के लिए कलर टू को चूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन अप पेज नंबर 66, पुट द डेट एंड डे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। Number A, in the colors group, click color 1 button for the dash color for the foreground color, foreground. Write the word foreground in the given blank. Number B, the shapes group has different ready-made shapes. Write the shapes in the given blank, shapes, shapes. Number C, the dash tool is used to make a custom shape with any number sides. The polygon tool, polygon, polygon. Number D, when you click the dash tool, the text tab appears in the toolbar. The text tool, text, text. When you click the text tool, the text tab appears in the toolbar. Number E, the dash button in the colors group is used for the background color, the color 2, color, color 2. Number 2, choose the correct option. The tool used to fill a select color in any closed shape is number 1, color, number 2, fill with color, number 3, fill, number 4, none of these. So put the tick here, fill with color. Number B, the tool used to set the current foreground or background color is color 1, color 2, fill with color or color picker. So put the tick here, color picker. C, the tool used to make something look bigger than it actually is a
मैग्नीफायर टूल, कर्व टूल, शेप्स टूल, टेक्स्ट टूल. यस, मैग्नीफायर टूल. सो पुट द टिक हेयर. नंबर डी, टू सेलेक्ट एनी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द ड्रॉइंग क्लिक. नंबर वन, सेलेक्ट ऑल. नंबर टू, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. नंबर थ्री, फ्री फॉर्म सिलेक्शन. नंबर फोर, ऑल ऑफ दीज. यस, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन. सो पुट द टिक हेयर. नंबर ई, टू ड्रॉ अ कस्टम शेप विद एनी नंबर ऑफ साइड्स चूज द नंबर वन पॉलीगॉन टूल, नंबर टू ट्राइंगल टूल, नंबर थ्री रेक्टेंगल टूल, नंबर फोर स्टार टूल. यस, द करेक्ट आंसर इज पॉलीगॉन टूल. सो पुट द टिक हेयर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर. सो कम्प्लीट योर रिटर्न वर्क इन योर टेक्स्ट बुक. या आपने अपनी टेक्स्ट बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है. थैंक यू.